जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज जो है मेरे चैनल डॉक्टर हुमैरा के साथ में जो है हम सीखने वाले हैं हार्ट ब्लॉक्स। और ये वीडियो एक्चुअली जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, और आई होप कि उनको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हार्ट ब्लॉक्स जो है वो थोड़ा ईसीजी पे काफी मुश्किल हो जाता है स्पॉट करना, ये हार्ट ब्लॉक 1 है 2 है 3 है। तो इस वीडियो में जो है कुछ वो एक दिलचस्प वे में आपको कुछ समझाया जाएगा, तो आई होप कि आप लोग जो है इसको आज समझ लेंगे। ठीक है, तो चलें देखते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टोरी, एक हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी पहले, और उसके बाद जो है वो हार्ट ब्लॉक्स को कैसे फिट हो रही है उसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले आप लोग ये समझ लें कि जो हार्ट ब्लॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो टाइप 2 है उसकी जो है आगे से टू टाइप्स होती है ना। और थर्ड मतलब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री उसकी 2 टाइप्स, और उसके बाद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है जी। अच्छा जी, एक जो है स्टोरी, उसमें क्या है कि एक न्यूली वेड कपल, उसमें जो है अब सोचेंगे जो है जो वाइफ है उसका नाम है मिसेस बी, और जो मिस्टर हैं जो हस्बैंड हैं उनका नाम है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कपल है इसकी शादी हुई, तो अब क्या हुआ कि वो अब नॉर्मल हालात चल रहे थे, तो क्या हो रहा था कि मिस्टर क्यूआरएस जो थे वो उनकी जॉब की नोयत ऐसी थी कि वो रात को 10 बजे घर आ जाते थे। तो शुरू में तो ठीक सब चलता रहा कि मिसेस बी जो थी वो वेट करती थी, और मिस्टर जो क्यूआरएस थे वो बिल्कुल टाइम पे आते थे ना, वो एग्जैक्ट 10 o'clock घर होते थे। अच्छा जी, फिर ये भी, फिर मिसेस पी वेट करती थी, उन्हें पता होता था कि अब हस्बैंड के आने का टाइम है, और वो उसी टाइम पे रोज आते थे। तो ये नॉर्मल हालात तो ऐसे ही अभी कुछ अरसा चले। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जो मिस्टर क्यू आर एस थे उन्होंने कुछ चीटिंग शुरू कर दी, उन्होंने बाहर जो है वो कोई अफेयर कर लिया, और उन्होंने चीटिंग इस तरह से करने लगे कि भाई मिसेस पी जो थी उनका वेट करती थी, लेकिन जो मिस्टर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स थे वो रोजाना जो है वो थोड़ा सा लेट आने लगे। जैसे पहले जो है वो जैसे 10 o'clock आते थे, तो अब जैसे आप सोचेंगे 10:30 पे वो आने लगे, लेकिन अभी भी आ रेगुलर रहे थे। तो इसलिए जो मिसेस पी थी उन्हें जरा शक नहीं था अभी कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन अभी भी मिस्टर क्यू आर एस जो है वो 10:30 पे रेगुलरली आ रहे थे। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि भाई फिर जो है आगे थोड़ा सा वक्त गुजरा, तो अब मिसेस पी ने कुछ नोट किया कि मिस्टर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो रोजाना ही जो है वो लेट आ रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोग्रेसिवली लेट आ रहे हैं, यानी जैसे एक दिन वो 10:30 पे आए, ठीक है, अच्छा फिर दूसरी जो नाइट थी उस पे जो है वो बिल्कुल ही वो 11 o'clock आ गए। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है उन्होंने देखा मिसेस पी जो है कुछ परेशान होने लगी कि वो रोज ही लेट आ रहे थे, कभी वो सुबह के जो है वो यानी आज तक 1-1 घंटा कभी बढ़ा रहे थे, कभी 45 मिनट्स आगे बढ़ा देते थे। ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिवली वो जो है ना उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा था। एक दिन फिर क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते ये टाइम रोज आना, तो एक नाइट पे वो आए ही नहीं। ठीक है, तो वो मिसेस पी जो थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई कि ये क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि फिर उन्होंने जो है अपनी सास से बात की, मिसेस पी ने, और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना ये मिस्टर क्यू आर एस को थोड़ा सा समझाएं। अच्छा, तो फिर वो मिस्टर क्यू आर एस थोड़ा सा सुधरे। अच्छा, फिर मिसेस पी ने देखा कि जो मिस्टर क्यू आर एस हैं वो आ तो रहे हैं, थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो मतलब आ रेगुलर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक फिक्स टाइम पे आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे 2 नाइट्स तो वो ठीक है फिक्स टाइम पे आए, लेकिन उसके बाद एक नाइट वो आए ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही बाहर गुजारना शुरू कर दी रातें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर इसी तरह जो है वो एक नाइट आए और उसके बाद एक नाइट आए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वो मिस्टर जो थे क्यूआरएस उन्होंने जो है वो उधम मचा ली, और इस तरह से जो है उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को बाहर एंजॉय कर रहे थे। ठीक है। अच्छा जी, आप मिसेस पी ने कहा कि ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो जो है मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो मिसेस जो पी हैं उन्होंने भी जो है वो चीटिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने भी बाहर अफेयर चला लिया। तो अब ये जो है दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे वो कभी किसी रात पे जो है मिसेस पी होती थी तो मिस्टर क्यू आर एस नहीं होते थे, कभी 2 नाइट्स पे मिसेस पी जो थी वो घर होती थी तो मिस्टर क्यू आर एस जो थे वो बिल्कुल ही नहीं होते थे। ठीक है, यानी उन दोनों में जो है कोई कोरिलेशन जो है वो ना रहा।
अच्छा जी, अब जो है हमने जो अब देखा यानी कि उसमें फिर क्या हुआ कि फिर इसको जो है कपल को कैसे ठीक किया जाए। तो अब जैसे देखिए, अब यूरोपियन कंट्री होता है तो ऐसा जो कपल होता है उसे आप कहते हो कि अच्छा जी काउंसलिंग ले लो। अच्छा, क्या फिर जो अब एशियन कल्चर है उसमें आप कहते हैं देने चाहिए कि एक बेबी का, ठीक है, तो बेबी जो है वो क्या करेगा, पेसिंग कर देगा, ठीक है। तो इसको पेसिंग जो होता है ना, वो यानी जो पेस मेकर जो ऐसे कपल की लाइफ में जो आता है वो फिर बेबी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हार्ट ब्लॉक्स की सूरत में इस कहानी को देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि भाई नॉर्मल हालात में क्या होता है, पी वेव आती है, उसके बाद एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, और जो पीआर इंटरवल होता है वो फिक्स होता है, यानी कि दोनों में गैप, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। यानी आप पी के बाद एक्सपेक्ट करते क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल आएगा। अब जैसे फर्स्ट हार्ट ब्लॉक हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो जो पीआर इंटरवल है जो 3 to 5 स्मॉल स्केल्स का होता है वो बढ़ गया, ठीक है। और अभी फर्स्ट हार्ट ब्लॉक में ये हुआ कि वो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बड़ा लेकिन अभी भी फिक्स था। अच्छा जी, सेकेंड डिग्री मोबिट्स टाइप 1 जो उसकी है, इसको वेंकीबाख भी कहते हैं, तो उसमें क्या होने लगा कि वो जो था वो प्रोग्रेसिवली जो पीआर इंटरवल था वो बढ़ता चला जा रहा था एक्चुअली। यानी वो उसमें जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें मुझे पीआर इंटरवल जो है ना वो दिखाना था, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने वो दिखाया, लेकिन इसमें आप सोचो कि इसमें जो है ना पीआर इंटरवल ये प्रोग्रेसिवली बढ़ा, और फिर एक दिन क्या हुआ कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उसमें नजर ही ना आया हमें, ठीक है। तो ये मोबिट्स टाइप 1 था। अच्छा जी, अब ये वाला जो है ये मोबिट्स टाइप 2 है, उसमें क्या है कि जैसे 2:1, जैसे दो दफा जो है वो इंटरवल, यानी 2 nights पे हमने कहा था कि वो मिस्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फिक्स इंटरवल पे आए, लेकिन 1 night आए नहीं, तो इसका मतलब है एक नाइट जो नहीं आए तो 2:1 की रेशियो थी, 2 QRS कॉम्प्लेक्स फिक्स्ड इंटरवल पे आए और 1 पे वो हमें फिर नजर ही ना आए, उसके बाद हमें पी वेव नजर आई, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ। अच्छा, जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसमें कुछ भी उनमें कोई कोरिलेशन नहीं होता, कभी आप देखते हो पी वेव आ रही है, कभी आप देखते हो पी के बाद QRS कॉम्प्लेक्स नहीं है टी वेव आ गया, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स आता है और टी वेव आता है, उसके बाद फिर टी वेव आ जाती है, इसमें पी वेव नहीं होती, यानी इसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता। और इसको आप ट्रीट कैसे करते हो, आप पेसमेकर जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया, और इसको लाइक करें, शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और इसका यहीं पे खत्म करते हैं।